हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे शिव पुराण लेके बैठी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। 17 जुलाई 2019 से सावन का महीना शुरू हो चुका है, जो कि सबसे पावन महीना माना जाता है। पूरे महीने सिर्फ शिव भक्ति ही चलती है। इसके पहले देवशयनी एकादशी हुई, जिसमें प्रभु सो गए हैं, विष्णु जी अपने ससुराल चले गए हैं, समुद्र में समा गए हैं, लक्ष्मी जी के मायके चले गए हैं, और उसके बाद अब इस समय शिव जी ने पूरी ब्रह्मांड की नैया अपने हाथों में संभाल ली है। तो ये सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सावन में क्या करें क्या ना करें, और क्या ऐसा करें कि आपको सावन के महीने का पूरा से पूरा लाभ मिल सके। तो सावन में आपको फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, मैं सभी पति पत्नी से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी पति लोग हैं, जो भी पत्नी हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक इस महीने को एंजॉय करें और बहुत ही प्रेम पूर्वक साथ में रहें, प्यार से रहें, पूजा पाठ करें, भक्तिभाव के माहौल में रहें, मंदिर साथ में जाएं, पूरे परिवार के साथ जाएं, बच्चों को भी लेकर के जाएं, मांस मछली को त्याग दें इस महीने, क्योंकि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, साइंटिफिकली भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि बरसात का टाइम है, और वैसे भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि प्रभु का पावन महीना है। और आप अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से करिए। आप भोर में उठिए, सूर्योदय में उठिए, और प्रभु को के लिए कुछ आप करें चाहे ना करें, प्रभु के लिए नहीं, इनडायरेक्टली आप अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग क्या भगवान के लिए कर सकते हैं? भगवान तो बस एक जरिया है। अगर हम उन्हें भोग भी लगाते हैं तो भी हम वो बाद में खुद ही खाते हैं, भगवान तो कुछ खाते भी नहीं। तो आप भगवान को एक लोटा जल नियम बना लीजिए कि पूरे सावन के महीने में आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है, क्योंकि सावन का महीना इतना पवित्र है और भोले भंडारी इतने ही ज़्यादा भोले हैं कि आपकी हर मनोइच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे, आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे ही करेंगे। बस उसके लिए आपको नियम बनाने की ज़रूरत है। गलत पूजा ना करें, मन में बोझ समझ के पूजा ना करें, नियम से करें। अगर 5 बजे नहीं उठ सकते, सुबह 6 बजे उठें, 7 बजे उठें, लेकिन जितना ज़्यादा सूर्योदय के वक्त आपको लाभ मिलेगा किसी भी पूजा पाठ का, उतना आपको किसी और वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या कुछ किसी वजह से वो अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं इतनी अर्ली मॉर्निंग का, तो वो लोग शाम को भी, सूर्यास्त के बाद भी भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिव जी की एक ऐसी पूजा है जिसमें सावन के महीने में आप प्रभु को शाम को सूर्यास्त के बाद भी जल चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के लिए मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो तांबे के लोटे में आप जल बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को पंचामृत अर्पित कर रहे हैं या फिर गाय का कच्चा दूध अर्पित कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्लीज़ तांबे का लोटा मत यूज़ करिएगा, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध या पंचामृत उसमें डलने के बाद वो जहर बन जाता है। और प्रभु को जल निरंतर चढ़ाते हैं हम लोग इसलिए हैं कि उनके कंठ में जितना भी विश्व का जहर भरा है उन्होंने, जितनी भी हुआ कहानी है इसके पीछे एक छोटी सी, कि प्रभु को पूरे विश्व से नेगेटिविटी निकालनी थी, तो सब भगवान एक दूसरे का मुंह देखा था कि इसे कौन लेगा, इसे कौन लेगा। तो भोले भंडारी में शिव जी ने अपने कंठ में उन सारे जहर को उतार लिया और उसको ठंडक देने के लिए, वो प्रभु उसको झेल लें, प्रभु की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उन्हें कष्ट ना हो, उनके कष्ट को दूर करने के लिए हम उन पर जल चढ़ाते हैं। तो हम अगर तांबे के ही लोटे में जल भर कर, दूध डालकर या पंचामृत डालकर उसको जहरीला बना दें, तो हमारा उसे चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रभु हमसे रुष्ट ही होंगे और कुछ नहीं होगा। तो प्रभु को खुश करने के लिए आप पीतल का लोटा ले सकते हैं, स्टील का लोटा ले सकते हैं, किसी भी पदार्थ का बर्तन ले सकते हैं, लेकिन तांबा आपको इस्तेमाल नहीं करना है यदि आप पंचामृत चढ़ा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं या फिर आप दूध से स्नान करा रहे हैं। तो आप प्रभु को दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं, जल चढ़ा, मतलब दूध से भी आप उनको नहला सकते हैं, दूध भी उनपे अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए और गाय का होना चाहिए, पका हुआ दूध वर्जित है। और पंचामृत से आप स्नान कराइए जिसमें कि आपको दूध, दही, घी, शक्कर,
गंगा जल, ये पांच चीजें इस्तेमाल करते हुए आपको पंचामृत बनाना है और उससे प्रभु को स्नान कराना है। बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र में आप तीन चीजें, मतलब तीन पंखुड़ी का बेलपत्र होना चाहिए और बिल्कुल भी एक भी पत्ता, एक भी डंठल उसकी कुछ भी खंडित नहीं होनी चाहिए। 3, 5, 7, 9, 11 इस क्वांटिटी में आपको चढ़ाना है, और नंबर्स में चढ़ाना है, इवन नंबर्स में नहीं चढ़ाना है। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है, आप सोमवार को चढ़ाना है तो उसके पहले तोड़ के रख लीजिए और सोमवार को आप चढ़ा दीजिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको ताज़ी ही चढ़ानी है। भोलेनाथ पे आपको लाल रंग का फूल बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना है। भोलेनाथ पे आपको कनेर का फूल, शिवालिका का फूल, धतूरा, भांग, गन्ना कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन लाल फूल अर्पित नहीं कर सकते। अगर आपके घर में गृह कलेश है, पति पत्नी में किसी तरह की अनबन है, बच्चे रुष्ट हैं, घर का माहौल लड़ाई झगड़े वाला है, अच्छा नहीं है, तो आप आँख बंद करके कनेर का फूल, पुत्र पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी जाके कनेर का फूल भोलेनाथ पे अर्पित कर सकते हैं। उनसे घर में शांति आती है, गृह कलेश खत्म होता है। और आप चंदन लगा सकते हैं, भस्म लगा सकते हैं, सब कुछ बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। और आप भोलेनाथ को पीली मिठाई का, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, और अपने हाथ से कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, और सिंदूर वर्जित है भोलेनाथ पे, आपको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, हल्दी वर्जित है, कभी भी नहीं, इन सब चीज़ों से भगवान रुष्ट होते हैं। प्रभु की अखंड कृपा पाने के लिए आपको अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो मैं हूँ आपके साथ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि आप क्या कीजिए क्या ना कीजिए। नारियल भोलेनाथ पे अगर चढ़ाइए तो कभी तोड़ के मत चढ़ाइए, नारियल आप साबुत उन्हें अर्पित कर सकते हैं, नारियल प्रभु के पास कभी नहीं तोड़ा जाता है। और शिव जी की पूजा के लिए, आप शिव परिवार की पूजा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग ऐसी चुनें जिसके आसपास उनके सभी गण हों, यानी कि गौरी माँ हों, कार्तिकेय जी हों, नंदी हों, गणपति हों, सभी हों। प्रभु को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, भस्म या चंदन लगाएं, गंगा जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, कच्चे दूध से अभिषेक करें, आरती करें, घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, अच्छे अच्छे सुगंधित फूल दें उनको, इत्र लगाएं और मेवा मिठाई मिष्ठान खिलाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं और प्रभु का स्मरण पूरे दिन करें। अगर आप नहीं जा सकते, अगर आप अस्वस्थ हैं, मैं उन भी व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जो लोग अस्वस्थ हैं नहीं जा सकते हैं, वो लोग घर पे बैठे बैठे ही बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर बारिश हो रही है तो आप एक साफ बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा करके प्रभु पे अर्पित कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ को खुश करना है तो आप सावन के सोमवार का व्रत रख सकते हैं, या आगे आप सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप सावन से उस सोमवारों का व्रत शुरू कर सकते हैं, 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। ये सब भोले बाबा के व्रत हैं जिनको शुरू करने का ये पावन महीना है, आप इनमें शुरू कर सकते हैं और अपना मनोवांछित फल पा सकते हैं। व्रत शुरू करने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये थी बात हमारी कि आप सावन में क्या करें, भोलेनाथ को कैसे मनाएं। और जो भी पति पत्नी हैं वो झूला ज़रूर झूलें, पत्नियां झूला ज़रूर झूलें, पत्नियां मायके ज़रूर जाएं, लड़कियां बेटियां मायके ज़रूर जाएं, अपने मायके में माता पिता से श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप लें। हाँ तो मैं देखिए सावन शुरू हुआ, मैं तो बस यूं ही रहती हूँ और मैंने देखी, मैं वैसे तो हमेशा ही हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ क्योंकि हरी चूड़ियाँ बहुत ही शुभता का प्रतीक होता है, लेकिन आज मैंने नई हरी चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है सावन जब से लगा है। तो ये हरी चूड़ियाँ, आप हरी चूड़ियाँ अपने हाथों में रखें, हरी हरी मेहंदी लगाएं और 16 सिंगार करें, 7 सज्जा करें, सब कुछ अच्छे से तैयार हो करके अपने घर में शांति का माहौल रखें, सबसे प्रेम करें, जानवरों से भी प्रेम करें, दान दक्षिणा दें। दान आप सावन के महीने में बहुत ही सस्ता, बहुत ही अच्छा दे सकते हैं। जो भी कांवड़ियाँ लेके निकल रहे हैं उनको आप भोजन करा सकते हैं, उनको आप जूता चप्पल पहना सकते हैं, यदि वो नंगे पैर गए हैं तो, नहीं भी गए हैं तो उनके आने के बाद आप उन्हें दे सकते हैं, भोजन कराएं, गरीब का पेट भरें, कपड़े दें दान में अच्छे अच्छे,
अच्छा अच्छा दान दें, किसी को दवाई दें, किसी का बीड़ा उठाएं, किसी को पढ़ाई के लिए फीस दे सकते हैं, किसी को दान में आप दवाइयां दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, किसी का घर का खर्चा उठा सकते हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें भगवान से। बस आप भगवान के लिए, आप जब भी, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी अगर अर्पित करना है भोलेनाथ पे सावन के महीने में, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही आपको अर्पित करना है। और शिव पुराण अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लाएं। शिव पुराण को कभी भी किसी भी धार्मिक किताब को यूं ही ना रख के पढ़ें, इसके लिए इस तरीके के स्टैंड आते हैं उन पे ही रख के इन्हें पढ़ा जाता है। लकड़ी को बहुत शुभ माना जाता है, उन पे ही रख के किताब की पूजा करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और शिव पुराण का आप पाठ करें, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ें, पूरा एक महीने का टाइम है, आप इसका अध्ययन करें, पाठ करें, लोगों को इसका पाठ सुनाएं, इससे सीखें बहुत सारी चीज़ें और प्रभु खुश होते हैं इस तरीके से। ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, और अपने घर पे लोगों को बुला के भोजन करा सकते हैं, और भोले भंडारी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और क्या क्या आप सावन के महीने में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। जो भी साग पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी भरी सब्जियां हैं, उनको कुछ दिनों के लिए थोड़ा अवॉइड करें, बैगन वगैरह ना खाएं सावन के महीने में, क्योंकि ये सब में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। दूध का सेवन ना करें, दूध की बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं लेकिन डायरेक्टली दूध ना पिएं, क्योंकि दूध प्रभु का भोग है, उनपे अर्पित होता है, तो उसे आप अवॉइड करें। सुबह शाम घर में दीप जलाएं, रोशनी करें, खुशबू करें, खूब अच्छी अच्छी सुगंध की धूपबत्तियां जलाएं, अगरबत्तियां जलाएं, प्रभु का दिन रात नाम जपें, उठें तो नाम जपें, बैठें तो नाम जपें, सिर्फ और सिर्फ शिव का जाप करें। शिव ही शिव होने चाहिए आपके घर में, बाहर हर तरफ, अपने घर का कोना कोना साफ रखिए, घर को एकदम जगमगा के रखिए, बच्चों को बताएं कि क्या है इसकी महिमा, और सावन के महीने को खूब अच्छे से एंजॉय करिए, खूब सोलह सिंगार करके रहिए, साथ सज्जा के साथ रहिए, घर परिवार के साथ खुशियां बांटिए, मायके बार बार आइए जाइए, मायके से लड़ झगड़ कर कैसे भी कर अपने लिए सोलह श्रृंगार मांगिए। लड़ झगड़ कर मेरा मतलब ये नहीं किसी को रुष्ट कर, मतलब अपने हक से, आप जैसे शादी के पहले वहाँ रहती थी, हक से अपने बोलिए, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने भाई से, जो भी हैं आपके मायके में, उनसे बोलिए कि मुझे सोलह सिंगार का सामान भेंट स्वरूप दें, और मुझे हरी हरी चूड़ियाँ दिलाएं, मेरे मेहंदी लगवाएं, ये सब चीज़ें आप करिए। और अपने पति से भी आप हक से मांगिए कि मुझे मेहंदी लगवानी है, मुझे श्रृंगार का सामान चाहिए, इन सब से उन्हीं का लाभ होता है, उन्हीं के घर में बरकत आएगी, और ये सब आप करिए, सबके साथ अच्छे से रहिए। और वैसे भी ये सावन का महीना अंत होता है रक्षाबंधन जैसे बहुत ही खूबसूरत त्यौहार के साथ, जिसे मनाने के लिए आपको अपने मायके जाना ही जाना है, तो उसमें आप अपने भाइयों से दूर मत रहिए, भाइयों के साथ खूब अच्छे से उसको मिलजुल कर मनाइए। मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मैं सावन के सोमवार पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, खूब अच्छे से आप अपने मायके में, अगर आप, मैं तो कहूँगी कि जो लेडीज अपने मायके जल्दी जल्दी नहीं जा पाती हैं सावन के महीने में, अगर साल भर कहीं ना जाए और सावन का महीना अपने मायके में पूरा बिताएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। झूला झूलिए, खुश रहिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पहनिए, और इस महीने को बहुत ही प्यार से, ये प्यार का महीना है, ये प्रभु के आशीर्वाद को पाने का महीना है, ये बहुत ही अच्छा महीना है, भोले भंडारी का महीना है, तो इसे बस भोलेनाथ का नाम जप जप के, ओम नमः शिवाय जप जप के इस महीने का आनंद उठाइए, जैसे वो हर एक चीज़ का आनंद उठाते हैं, बारिश का आनंद उठाइए, मौसम का आनंद उठाइए, घुलिए मिलिए, अच्छे से रहिए, और इस सावन के महीने को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बाय बाय।